गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी 50 के होने के बाद मुझे ऐसा रहता है कि मैं एकदम रेडी शेडी होके आऊँ। मेरे पास बड़ी फैमिली है थोड़ी सी यूट्यूब की, तो अच्छा दिखना चाहिए यार। ऐसे सुबह सुबह आती हूँ ना मैं, तो मुझे ऐसा लगता है सब सो जाएंगे वीडियो देख के। सो आज हो गई हूँ मैं फुल रेडी एंड मैंने पहना है अपना न्यू सूट जो कि बहुत ही अच्छा है, कि प्रीटी है। मुझे बहुत, जब मैं नए कपड़े पहनती हूँ ना, मुझे ऐसा होता है उड़ता ही फिरूं ऐसे वाला फीलिंग। और गर्मी तो बस पूछो ही मत, गंदा हो गया बिल्कुल। टाइम हो गया 9 o'clock, दादी भी आ गई है और बिल्कुल मैं रेडी हूँ। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है। ओके, तो हियर यू गो। मैंने पहना है ये इतना प्यारा अनारकली सूट, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मतलब ऐसे अगर, सॉरी कैमरा भी हिला रही हूँ, ऐसे बहुत इसमें फ्लेयर है। एंड इसके साथ बहुत ही, मैंने आज मंगलसूत्र पहना है, मुझे खाली खाली सा गला लग रहा था इसीलिए। एंड इतनी प्रिटी प्रिटी बेल्ट है, क्योंकि ये बहुत मल्टी कलर थी ना, वेट प्लीज, तो मैंने चूड़ा निकाल के और ये थोड़ा सा मल्टी कलर बैंगल पहन लिए, 5-6 कलर के जो इसमें दिख रहा था। कुछ अंदर चले गए हैं, कुछ बाहर है, इस वाले में देख लो। हाँ, तो मैंने ये ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल, ये 3-4 ऐसे कलर पहन लिए है। और आज ऐसे लग रहा है, ऐसे बढ़िया लग रहा है, ऐसे बहुत मस्त लगता है मुझे नए नए कपड़े पहन के। बट मुझे सर पे करना पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा ऐसे और फिर सूट मेरा छुप जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं। बट कोई नहीं, थोड़ी देर की बात है, फिर तो ऐसे मैं ऐसे ही रहती हूँ। ऐसे तो 90% घर में कोई आता है या पापा और दादी के सामने ऐसे सर पे, वैसे नहीं रहती। चलिए फिर चलते हैं बाहर और बनाते हैं बढ़िया से डिश। वैसे तो बनाई हुई है मैंने आज, मैं रात को बनाती हूँ। अच्छा, दिन में मन नहीं करता कुछ ऐसे बनाने का, रात को ही करता है। सो बताना कैसी लग रही हूँ मैं। चलते हैं बाहर। ऐसे मन कर रहा है, मैं तो देखती रहूँ, मैं शीशे के आगे बैठी हूँ तब से। मम्मी बढ़िया लग रहा है ना, और ये मम्मी। तो मम्मी अभी ऐसे रेडी शेडी नहीं हुई है, बस मैं सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ, इस घर में उठते ही नहा लेती हूँ, है ना मम्मी। मम्मी जाएगी जॉब पे, तब मम्मी होती है रेडी बढ़िया तरीके से। सो बढ़िया है, और हम बैठे अभी वेट कर रहे हैं कि कब सब नहाएं और फिर खाना बनाएंगे। मैं ऐसे ही करूँगी आज बार बार, लेकिन गर्मी का ऐसा है कि आप वेयर कर सकते हो। मैं इंस्टा पे डालूंगी वीडियो, तो चेक कर लेना कहाँ से लिया है, वहाँ से आप परचेज कर लेना। बट ऐसा है कि आप समर में पहन सकते हो, ऐसा नहीं है बहुत हैवी, ऐसा चुभना कपड़ा भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, बढ़िया है, बढ़िया है, वेरी वेरी गुड। ओके, तो आज मैंने शूट किया है इस ड्रेस में, और मम्मी ने मेरी वीडियोज बनाई है। कितनी बार रिटेक था मम्मी? लास्ट वीडियो 2 बार रिटेक थी। मुझे स्लो बनाना थी, तो स्लो बनाना इज लाइक सर दर्द बहुत ज्यादा, और सबको ऐसा लगता है कि ये सब ऐसे चुटकियों में हो जाता है बहुत। और देखो मेरा लैपटॉप यही रखा है, क्योंकि मुझे काम करना है और मैं और काम करूंगी अभी, और टाइम ज्यादा हो गया है। मैंने आज दिखाया ना सुबह क्या खाना वाना खाया, मैंने नहीं दिखाया सुबह, क्योंकि रात को बनाऊंगी कुछ नया फिर दिखाऊंगी। तो टाइम दिखा देती हूँ, 12:30 हो गया, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है अपने काम के लिए, फिर आ जाएंगे मेरे हस्बैंड। तो निकाल देते हैं अपनी हील्स एंड रेडी टू काम। यार वर्क क्या क्या यार क्या, ठीक है बाय। डाल रही खाना, मेरे हस्बैंड आगे उठाते हैं, चुप जाते हैं। कब तो डर जाया करो, ऐसे क्यों है, मैं डरा रही थी, इतनी ज्यादा गर्मी है क्या? कैसी लग रही हूँ मैं? क्यूट परी, सिंड्रेला। ओह माय गॉड, सच्ची नहीं लग रही? सच्ची ना, झूठ बोल रहा हूँ मैं। देखो मैंने पहले ही एसी ऑन कर दिया था आज, कि ऐसे आप आओगे तो आते ही आपको इतनी गर्मी गर्मी गर्मी, तो मैंने ऑन कर दिया। तो बढ़िया लग रही हूँ, दिखाओ यहाँ पे आके दिखाएंगे, आ जाओ। क्यूट, कैसा? बार्बी डॉल। आज मैंने आपके लिए 3 सब्जी बनाई। क्या क्या? ये नहीं बताऊंगी, चलो आप फटाफट चेंज कर लो और मैं खाना लेके आती हूँ, ले आओ। हाँ बहुत दुख की बात, मेरे से कल बारिश जैसा मौसम होगा आज। मैं भी तो भाग के, मुझे लगा था बारिश का मौसम होगा, लेकिन बिल्कुल मौसम नहीं था बारिश वाला। तो ये है आज का हमारा लंच, सब्जी पापा मेरे लेके आए थे बाहर से,
इसलिए मैंने वो दे दिए। मैंने अपने लिए बनाया क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी बाहर का, विथ चटनी एंड रोटी। तो देखो इतनी अच्छा लगा मेरा सूट है, खाना देख के मन नहीं कर, चार चार सब्जी आई आज तो चार सब्जी आई आज तो, एक सब्जी भी नहीं है, आज जल्दी आ जाओ। ओके अब हम कर लेते हैं अपना लंच, और देखेंगे कभी खुशी कभी बम गम। यार ये तो बस ठीक है, चलो अभी हम खा लेते हैं। क्या चोरी कर रहे हैं? चोरी अकेले अकेले आ सबको, इतनी सारी कौन खाएगा? बस ना बस, ये पहाड़ अच्छा लग रहा है, बस और मत खराब करो। बस ना पूरे गांव का भंडारा करना है क्या? थोड़ी सी और जलेबी खा लेते हैं। वो वाली कौन सी रील थी? जलेबी। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मम्मी ने आज जलेबी बनाई है। जलेबी जलेबी, मैं वापस आ गया मम्मी। गाइस तो हो गई है शाम एंड टाइम टू गो, तो मैं और मम्मी जा रहे हैं आज मंदिर जो हमारे गांव का है। वैसे ऐसा मन था कि बहुत दिन हो गए थे, तो मैं कहा चलो क्यों नहीं एक बार घुमाते हैं। तो न्यू सूट भी मैंने आज वेयर किया है, तो मैंने बोला क्यों नहीं। तो आज हम जा रहे हैं मंदिर, मैं आपको दिखाऊंगी अपने गाँव का मंदिर जो हमारे मतलब ससुराल का है, जहाँ मैं फर्स्ट डे गई थी शादी के बाद। तो वहाँ चलते हैं, रेडी टू गो। मंदिर टेम्पल अरे यहाँ कौन खड़ी है? टिड्डी या तो हमारी गाड़ी लग रही है मुझे। हाँ वही है हमारे अंदर। इस तरफ भाई, इस तरफ गाड़ी में थोड़ी चलेंगे, पैदल जा रही है क्या? कुर्सी ले लो भाई, जगह बैठ जा। गोलगप्पे खाने और मेरे साथ ये गोलगप्पे लगाने और खाने दोनों आए हैं, और हिमांशु, हम तीनों बढ़िया गोलगप्पे खा रहे हैं। हम आज हम डिनर में बनाएंगे मशरूम द प्याजा, समथिंग न्यू। ऐसे होता है ना कि कुछ नया बनाना चाहिए, वरना आलू देख देख के सब बोर हो जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं न्यू रेसिपी। तो ये मशरूम है, मार्केट से बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम इनको वॉश कर लेंगे नॉर्मल वाटर से। अभी मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है नॉर्मल वाटर से, कोल्ड से, वॉर्म से, आप कैसे भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन वॉश करने के बाद भी इनकी गंदगी नहीं निकलती, अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, इसको उबलने देंगे, इसमें डालेंगे नमक, और अपनी सारी मशरूम। अब इनको ब्रंच होने देंगे अच्छे से, 5-6 मिनट के लिए हम इनमें अच्छे से बॉईल लाएंगे। अब तो ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे चॉपिंग स्टार्ट। जब तक हमारे मशरूम बॉईल हो रहे हैं अच्छे से, तब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे, तब तक हम इनको अच्छे से उबालेंगे, बॉईल करेंगे। तब तक मैं दिखाती हूँ, तो मैंने जैसे रेडी किया, देखिए यहाँ से मैं, यहाँ पर मैंने अनियन एंड टमाटो चॉप कर लिए। तो हमेशा कोई भी हमारे पास सब्जी सब में ही चाहिए होता है। देन ये देखिए आपको ना ऐसे शेप बनानी है प्याज की, ठीक है। ये मैंने 5-6 वाइट प्याज ली थी, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा बिग फैमिली, आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं। सो मैंने ये किया है, ऐसे कर ली है प्याज का। देन यहाँ पे है मसाले, तो हम इसमें कुछ खड़े मसाले, जैसे कि जीरा, जीरा मैंने नहीं डाला है, तेज पत्ता,
लाल मिर्च एंड काली मिर्च एंड काली मिर्च और लौंग एंड ये है नॉर्मल हमारे मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो नॉर्मल मसाले होते हैं हमारे वही। अभी हम क्या करेंगे, तब तक हमारा बॉईल हो रहा है तो मैं कढ़ाई रख लेती हूँ एंड टाइम फॉर मिक्सचर। अब मैंने ऑयल डाल दिया है पैन के अंदर एंड ये जो खड़े मसाले मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, इलायची एंड मैंने दिखा दिया है आपको लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च एंड टाइम टू, मैं मुझे तो ऐसा लगता है कभी मेरा ही हाथ ना चलता, और तेज पत्ता। गैस करेंगे स्लो एंड इनको अच्छे से कर लेते हैं रोस्ट। हो गया हमारा रोस्ट, टाइम फॉर अनियन। अनियन कर लेते हैं छोटे एंड ये भी हमारे हो गए अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, एक छन्नी में निकाल के इन ठंडे पानी से दोबारा वॉश करेंगे, एक या दो बार आप दोबारा वॉश करना। अभी मैंने क्या किया, इनको वॉश कर लिया ठंडे पानी से, दो से तीन बार मैंने वॉश किया है। अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब जो आपको शेप देनी है, जैसे आपको कट करने हैं वैसे कट कर लेना, मैं अपनी जो शेप मुझे देनी है मैं वो देके आपको दिखाऊंगी पूरा शेप करने के बाद। हो गए हैं हमारे अनियन अच्छे से ब्राउन एंड ऑयल भी डिस्चार्ज हो गया है, टाइम फॉर टमाटो। कर देते इनको अच्छे से मिक्स। ओके, तो ये मिक्स हो गया है, हम इसको दो से तीन मिनट तक ढक के पकाएंगे ताकि हमारे जो टमाटो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने यहाँ पे जो मशरूम थे उनको ये शेप दिए, बिल्कुल छोटे छोटे शेप दिए ताकि ऐसे छोटे छोटे जल्दी गल जाए और ऐसे मुंह में ना आए। अभी हमने एक और पैन लिया है, क्या करेंगे इसमें जो ये वाली अनियन थी ना छोटी वाली, इसमें इसमें क्या होता है, इसको हम रोस्ट करेंगे लाइट लाइट ब्राउन करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें मैंने गैस कर दी है ऑन, डाल देते हैं ऑयल, थोड़ा ही डालना है, मतलब लाइट ब्राउन ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। अभी ये सारी है हल्का सा ऑयल गर्म होने के बाद ये वाली जो है इसमें डालेंगे और फिर करेंगे गर्म। आई थिंक हो ही गया है गर्म, तो मैंने ये डाल दिया है एंड टाइम फॉर लाइट ब्राउन। हल्का हल्का मैं सबको ब्राउन कर लूँगी। तब तक हमारे ये हो रहे हैं, मैं कर लेती हूँ सब्जी, मैं देख लेती हूँ, आई थिंक हो ही गई होगी। ऐसे टमाटो गल गए हैं ऑलमोस्ट, ऑयल डिस्चार्ज हो रखा है, टाइम फॉर मसाले। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, अदरक, दो लहसुन एंड ग्रीन चिली लेके उसको अच्छे से कूट लेना है, मैश कर लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है घर में उसमें। तो मैंने उसका पेस्ट बना लिया था, वो मैंने डाल दिया है। अभी डालेंगे हम मसाले, जो मसाले मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे सारे मसाले मैं पुट कर देती हूँ और थोड़ा सा हाई फ्लेम करके अभी इनको चला लेंगे। तो दोनों वैसे पे काम हो रहे हैं, यहाँ हमारे फ्राई हो रहे हैं, यहाँ सब्जी बन रही है, सो टाइम फॉर मिक्स। तो मैंने मिक्स कर दिया है, अभी इसको फिर ढक देते दो मिनट के लिए। अगर ढकने वाली कढ़ाई है तो पूरा पूरा यूज़ करना चाहिए, नहीं पहले ऐसे प्लेट से मेरे हाथ धोते थे, अब ये बढ़िया आ गया एकदम से। यहाँ पे हमारा ऑनियन भी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, एक मिनट बाद मैं इसको निकाल लूँगी एंड उसके बाद दिखाऊंगी आगे। तो अभी मेन जो है वो बची हुई है हमारी सब्जी, दो चीज़ और चाहिए। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल है तो घर में क्रीम ले सकते हैं, बाहर से ला सकते हैं, वरना मलाई जो होती है घर में, जैसे हमारे यहाँ मलाई भी है घर में, तो मलाई भी डाल सकते हो फेंट के, बट मैं डालूंगी क्रीम। तो चार से पाँच मिनट हो गई है एंड मैं देख लेती हूँ, वाह खुशबू, ओ माय गॉड। तो यस, ऑयल डिस्चार्ज हो गया है एंड परफेक्टली बन गए हैं। तो अभी मैं इसमें डालूंगी, देखो सब्जी, मशरूम डाल देते हैं हम इसमें, ठीक है, जो मशरूम है। दो चीज़ आप और डाल सकते हैं, मैंने थोड़े से ये जो ये मैं ये लिया ना, ये मैंने मर्जी से लिया है, थोड़े से ना मैंने काजू क्रश कर लिए थे तो मैं वो भी ले लेती हूँ, थोड़े से काजू, थोड़े आप चाहो तो बिल्कुल भी पिक्स कर सकते हैं, बट मैंने थोड़े ही क्रश किए कि दिखने चाहिए।
एंड लास्ट खुशबू के लिए, बहुत अच्छी खुशबू के लिए, आपको पता है मुझे आजकल क्या सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो वो है कसूरी मेथी। यस, बढ़िया लगेगा। एक चीज़ इसमें और बचती है, वो है ये अनियन, उसको हम डालेंगे तभी थोड़ा सा और पक जाएगी मशरूम, मतलब लास्ट में। अभी कर देती हूँ अच्छे से मिक्स एंड ढक देते हैं कुछ टाइम के तक, हमारी मशरूम पकती है तब तक। तो 3 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकते हुए, तो इसमें देखो कुछ भी नहीं है, ना तो पानी है ना कुछ है, तो देखो ये जल सकती है। वैसे ऑयल आ गया है ऑलमोस्ट, मतलब रेडी हो चुकी है। अभी हम क्या डालेंगे, तो मैं बोल रही थी ना क्रीम, तो ये घर की थी बट मैंने मदर डेयरी वाली मंगवाई थी, तो मैंने कुछ क्रीम ले ली है। अकॉर्डिंग टू आपकी क्वांटिटी कितनी है आपके पास और कितना लिक्विड आपको करनी है, ज़्यादा लिक्विड कम लिक्विड, उसके अकॉर्डिंग अभी मैं इसमें डाल देती हूँ अपनी मलाई। मैं स्लो स्लो डालूंगी, अगर मुझे लगेगी बाद में और जोड़ते तो मैं और डाल दूंगी, मिक्सिंग से चेक करूंगी। अभी इसका कलर जो था वो बहुत ऐसा था ना रेड रेड, अभी हल्का सा वाइट टच आ जाएगा सब्जी में। देखो बिल्कुल ऐसे ऐसे कलर ही बदल दिया क्रीम ने, तो एकदम खुशबू चेंज कर दी। अगर देखो अभी लग रहा है आपको कम है और करनी चाहिए, तो और कर देती हूँ, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ओके, सो अभी ये ठीक रहेगी आई थिंक। हाँ, थोड़ा लिक्विड हो गया है, इट्स फाइन। तो मैंने ना मटर मशरूम नहीं बनाया, क्योंकि मटर मशरूम बहुत बेसिक रेसिपी है, लेकिन मशरूम द प्याज थोड़ा अलग है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, तो देखो दो प्याजा क्यों बोलते, पहले मैंने इसमें प्याज डाली, सबसे पहले डाली, और अब दोबारा से मैं डाल रही हूँ। तो ये जो हमने यहाँ पे कर लिया था अच्छे से फ्राई, इसको डाल देंगे एंड टाइम फॉर मिक्सिंग। इसको हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, और कुछ टाइम के लिए पकने के लिए ढक देंगे। वैसे तो हमारी जो प्याज है वो अच्छे से रोस्ट है, जो प्याज है हमारी अच्छे से रोस्ट है, मशरूम और अब जो हमारी क्रीम है वो सब्जी में घुलने के लिए हम देंगे इसको 2 मिनट्स का ब्रेक। ओके, तो हो गई है ऑलमोस्ट रेडी, और मेरे हस्बैंड आ गए थे जिम से, तो आज मैं इनको टेस्ट नहीं कराऊंगी, क्या कराऊंगी, स्मेल। हाँ ठीक है, 1, 2 एंड 3। लास्ट बचा था इसमें मलाई के बाद धनिया, अब मैं थोड़ा थोड़ा गार्निशिंग कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा एक जगह पे कर दिया, ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के डालो ना। अच्छा ठीक है, वो मैंने छोड़ दिया ना खाना बनाना तेरे आते हो गया, जल्दी डाल दो। अभी चम्मच से हम करेंगे मिक्स, कैसे कैसा लग रहा है, मतलब क्या है आपके हिसाब से, है क्या ये मेरे हिसाब से ही है मशरूम क्या है, मैंने बताया था ना मशरूम थोड़ी मशरूम है, मैंने बताया था, लेकिन स्मेल में क्या है, स्मेल में दोबारा करें, नई खुशबू हो गई, नई खुशबू पहचान में नहीं आ रही। ओके, तो अभी हम करते हैं रोटी खाने तैयार। तो आज मैं सबकी प्लेटिंग साथ कर रही हूँ, हम सब भी खाएंगे सलाद के, मैंने सैलेड कर दिया है, ये थी पुदीने की चटनी एंड ये है यहाँ पे सब्जी बिल्कुल रेडी। अब मैं कर देती हूँ प्लेटिंग और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो आज मैं आपको चीज़ बताती हूँ और वेट, सो ये है पापड़, अगर किसी के घर में माइक्रोवेव है उन्हें नहीं पता है, तो माइक्रोवेव में पापड़ हो जाते हैं इसलिए, देखो मैंने रख दिए हैं एंड मैं चला देती हूँ, बढ़िया एकदम क्रंच जाएंगे एकदम कड़कड़े। देखो एक दिखाते हैं तोड़ के, चीयर्स। एंड हो गई है प्लेटिंग, तो सबकी आज हमने साथ बना दिया, सब एक साथ रिव्यू देंगे, बहुत हो गया कि ये रिव्यू देते हैं अकेले के लिए, बहुत अच्छा है, इसलिए आज हम सब एक साथ बैठेंगे और एक साथ रिव्यू देंगे। तो यहाँ पे हमने पापड़ और चटनी एंड पापा की इनकी और ऐसे ऐसे हमने कर लिया है रेडी। अब उठा लो प्लेट और चलेंगे बाहर, टाइम टू गो, मैं लेती हूँ अपनी। चटनी रख दो एक किसी प्लेट में,
आप तो दो लेग चीज लेके जा सकते हो ना। अच्छा ये क्या है, एक है क्या? पापड़ भी लेके जा सकते हो। पापड़ ओह वाह, टूटना नहीं चाहिए, एक भी नहीं टूटना चाहिए। चलिए मम्मी अभी हम सब बैठेंगे और देंगे आप लोगों को बढ़िया सा रिव्यू। इतने गंदे गंदे मुंह बना रहे ना, सब रिकॉर्ड कर लिए। बस बस कंट्रोल योर सेल्फ उदय, कंट्रोल। काली मिर्च आ गई, मेरा गला ना तृप्त हो गया सब्जी खा के। तृप्त काली मिर्च तो आराम से निकाल देना। क्योंकि काली मिर्च डाली मैंने, निकाली नहीं। जो कटहल बनाई थी ना, कटहल तो बढ़िया है। अच्छा, जो बढ़िया थी। और उससे चेरी टमाटो से उससे बेस्ट, सब तो बेस्ट ही थी। क्या हर बार सबसे जो टेस्ट जिसका रहता है वो आते हैं, याद है ना? मशरूम द प्याजा, मशरूम द प्याजा सच में डिश होती है। मैंने चेक करना चाहती, खाली दो प्याजा भी है। पता क्या है, दो बार प्याज डाल देगी दो प्याजा बन जाएगा। ये भी सही है। अब हम कर लेते हैं अपना डिनर। ओके गाइस, तो करते हैं व्लॉग को यहीं खत्म। आई होप आपको लगा हो आज का व्लॉग अच्छा। तो मैंने सूट चेंज कर लिया, रात हो गई है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और कैसे लगी रेसिपी प्लीज बताना। और मैंने कुछ न्यू ट्राई करने की कोशिश की है, बट सबको अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी, मुझे खुद पर्सनली टेस्टी लगी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको लगा अच्छा। सी यू सून, गुड नाइट गाइज़।